हमारा तो मन नहीं कर रहा वैसे जाने का वापस, लेकिन क्या करें, 3 बजे की ट्रेन है वंदे भारत। जाने का मन कर रहा है? नहीं भाई, मेरे मन को तो रोक लिया। जैन घाट पे आ गए, जैन घाट। हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अभी हम हैं पंचकोट घाट। पंचकोट आ गया, पंचकोट घाट। यहाँ से सीधा चलते हुए, मॉर्निंग वॉक भी हो गया अच्छी से। प्रभु घाट ये वाला भाई, एक 10 कदम ही होंगे यहाँ पे चलते हुए और आ गया प्रभु घाट। नाउ वी आर एट प्रभु घाट। गाइज ये देखो तुम, ये जो पूजा कर रहे हैं भाई, ये सबसे डिफरेंट पूजा लगी मुझे यहाँ पे, सबसे अलग यही हो रही थी। कमेंट करके बताना किसी को पता हो तो, मेरे को भी नहीं पता वैसे तो। यहाँ पे फोनर्स वगैरह भी खड़े हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, अभी इन्होंने भी पहली बार देखी होगी है, घूमने आए होंगे ये भी। तो कल हमने यहाँ से एक केदार घाट तो हमने कल शाम को तो यहाँ से बोटिंग करी थी। यहाँ से मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं डाल दूंगा। तो फाइनली गाइस हम बोट में बैठ गए, हम केदार घाट से बोट में बैठे हैं। तो अभी हम यहाँ से सारे घाट देखेंगे, स्पेशली भाई गंगा घाट, बहुत छजरा होगा वो। यार तुम लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन यार थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और ये लोग भी थोड़ा शोर मचा रहे हैं, बट कोई नहीं। अभी वैसे तो हम जा रहे हैं बीचों बीच, बिल्कुल नदी के बिल्कुल बीचों बीच जा रहे हैं। अब तो आ गए बिल्कुल सेंटर में, देखना भाई कैसा दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। अब घाट की तरफ जा रहे हैं, ये घाट की तरफ लेके जा रहे हैं बोट वाले। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये गंगा घाट ही दिखाई दे रहा है, यहीं पे ही लेके जा रहे हैं, आरती दिखाएंगे। यार ये तो मस्त लग रहा है, और फास्ट जा रहे हैं भाई, और ही मस्त दिखाई देते जा रहे हैं।
रात में तो वही बोट से बढ़िया दिखाई देता है इसका मतलब। यार कितना मस्त दिखाई दे रहा है यार, कमेंट करके बताओ तुम जल्दी से भाई कैसा लग रहा है तुम्हें, कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन भर दो पूरा और बताओ कैसा लग रहा है फटाफट। बोट्स वगैरह भी लगनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे घाट के पास, ये गंगा घाट है ना, तो यहाँ पे गंगा घाट की जो आरती है बोट से भी देखते हैं, बस होने वाली है स्टार्ट थोड़ी देर में। वैसे तुमने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने जो गंगा घाट की आरती दिखाई थी बिल्कुल सेम वैसी होती है रोज, और हर रोज़ होती है भाई, ये सबसे बड़ी बात ये है, और सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी शाम के टाइम। वैसे भाई कैमरे में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन अगर आप खुद होते ना यहाँ पे भाई बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त। अभी हम हरीशचंद्र घाट से आगे आ गए, यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो रही है, यहाँ पे भी बहुत सारी देखो बाकी पूजा हो रही है यहाँ पे भी दिखाता हूँ। अभी हम यहीं पे बैठे हैं केदार घाट से, यहीं पे वीडियो पे यार, यहाँ से तुम्हें दिखाता हूँ एक बार देखो केदार घाट। गाइस यहाँ पे भी पूजा हो रही है, अभी हमें चलते चलते कोई मिला है देखो यहाँ पे, ये पेंटिंग कर रहे हैं मतलब पेंटिंग बना रहे हैं इसकी देखो। फाइनली गाइस गंगा घाट तो आ गए, मतलब घूमते फिरते बहुत सारे घाट आए थे बीच में, हम आज से अब फाइनली गंगा घाट तो आ गए हैं। अब वैसे भीड़ देख के आपको लग रहा होगा भाई यहाँ पे सुबह सुबह अभी हो रहे हैं 8:30, मतलब हम पूरा आराम से अच्छी तरह से घूम के जब यहाँ पे पहुँचे हैं गंगा घाट। हाँ भाई चलते हैं अभी, देखो तुम्हें भीड़ दिखाता हूँ, यहाँ पे रात को होती है आरती सबसे बड़ी, यहाँ पे रात में अगर कोई आएगा यहाँ पे तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो गंगा घाट पे शाम के टाइम 6:30 आरती स्टार्ट होती है और वो 8:30 तक चलती है, तो अगर कोई भी आना चाहे तो भाई ये वाली आरती जरूर देख के जाना, शाम के टाइम होती है 6:30 से स्टार्ट। बाकी अब यहाँ से हम ऊपर जाना है भाई नाव में, तो हम कल जाके आ भी गए, बाकी अब वापस चलते हैं गाइस क्योंकि फिर रूम पे भी जाना है, चेकआउट भी करना है और नहाना वाना भी है क्योंकि हम सुबह तो बिना नहाए धोए आ गए थे,
क्योंकि सुबह 4 बजे आए, मतलब 4 बजे उठ गए थे हम, और मतलब 4:30 या 4:45 बजे तक हम फिर वहाँ पे चले गए थे। बाकी मस्त है भाई, मस्त। गाइस अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर आए हैं अभी, मतलब अभी हम अंदर गए थे तो, लेकिन मैं वहाँ पे शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन वगैरह और बैग वगैरह सब कुछ पहले ही लॉकर में रखवा लिया था। तो बस अभी दर्शन करके आए हैं अंदर से, बस अब हम सीधा रूम पे ही जा रहे हैं, वहाँ से फिर चेकआउट करेंगे थोड़ा नहा धो के, और फिर सीधा निकलते हैं भाई दिल्ली के लिए। वैसे हमने अभी कुछ सामान भी लिया है, और बस अभी गंगा घाट से ही सीधा हम हरिश्चंद्र घाट के वहीं से ही सीधा एक्सिट लेंगे और रूम पे जाएंगे। अब फिर चलते हैं सीधा दिल्ली। वैसे दिल्ली की जो हमारी ट्रेन है वो 3 बजे ही है, वैसे तो अभी टाइम है, लेकिन थोड़ा पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा स्टेशन पे, कुछ नहीं पता इसलिए। अब घर जाने का समय आ गया है। अच्छा, उसी गाड़ियों में रखा दे। अब घर जाना है, लेकिन सच बताएं तो जाने का मन नहीं कर रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर होके आ चुके हैं, दर्शन भी हो गए आज, और अब हम घाट से होते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। फिर 3 बजे की हमारी ट्रेन है। फिर दिल्ली वापस। दशाश्वमेध घाट लास्ट टाइम देखूं अच्छे से। हमारा तो मन नहीं कर रहा वैसे जाने का वापस, लेकिन क्या करें, 3 बजे की ट्रेन है, वंदे भारत। जाने का मन कर रहा नहीं भाई, मेरे मन को तो रोक लिया, लग नहीं रहा था ऐसा होगा, लेकिन जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब मन नहीं कर रहा, पहले तो कर रहा था जाने का, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं कर रहा। अब ऐसा लग रहा है कि अब अच्छी तरह घूम लिए ना हम यहाँ पे, अब ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे रोक लो यार। गाइस हम निकल चुके हैं चेकआउट करके, अब बस हम ऑटो में हैं, बस 15 मिनट और लगेगी स्टेशन जाने में, उसके बाद फिर चलते हैं सीधा दिल्ली। वैसे दिखाता हूँ अभी जाके कौन सी ट्रेन में जाएंगे हम, वैसे जिसमें आए तो उसी में जाएंगे, बाकी थोड़ा टाइम पहले ही पहुँचना है हमें, कुछ नहीं पता भाई, क्या पता ट्रेन कभी चली जाए। बाकी हम निकल गए हैं, 12 बज रहे हैं इस टाइम पे, बाकी चलते हैं। Chasing stars and holding you, I can't see the end but we'll see। तो गाइस हम बैठे हैं वेटिंग रूम में, अभी वेट कर रहे थे ट्रेन का, मतलब ट्रेन से पहले वेटिंग रूम में, तो अभी बस 10-15 मिनट में आने वाली हैं। हम चलते हैं फिर प्लेटफॉर्म पे, अब वहाँ पे फिर आएगी, फिर चलेगी, 3 बजे निकल जाएगी, डिपार्चर हो जाएगी यहाँ से। बाकी वेटिंग रूम दिखाता हूँ तुम्हें कैसा है, कैसा है वेटिंग रूम। बाकी अभी चलते हैं, बाकी भाई को भी कुछ खाना था तो भाई को भी खिलाते हैं, फिर बाद में चलते यार सीधा घर, घर की भी याद आ रही थी। अब वैसे भी मम्मी और पापा के बिना पहली बार मैं और भाई मतलब आए हैं कहीं पे, तो अभी वैसे मतलब यहाँ पर ही मज़ा आया वैसे यार, ये तो बात है, बाकी घर पे भी तो जाना होता है ना फिर एक टाइम पे। बाकी अब चलते हैं घर दिल्ली वापस। ट्रेन तो आ गई पर पता नहीं गेट कब खुलेंगे इसके, बहुत देर से खड़ी है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं प्रयागराज, अभी ट्रेन में बैठे हैं, ऐसे तो 2 घंटे हो गए। प्लीज रिमेंबर टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विद यू। तो प्रयागराज बस 5 मिनट पहुंचने वाले हैं।
कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। ओके, तो प्रयागराज जो उतरेंगे तो भाई गाइस वो थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद इंडियन रेलवे। सब उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकी भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें अभी 6 घंटे और लगेंगे दिल्ली जाने में। प्रयागराज, वी आर अप्रोचिंग प्रयागराज जंक्शन स्टेशन इंडियन रेलवे। 11 बजे पहुंचेंगे रात को। बाकी देखते हैं उसके बाद कैसे जाएंगे, या फिर पाएंगे। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी भाई भी ऐसी बैठा है मेरा, चार्ज की है। दिल्ली मिलते हैं गाइस, दिल्ली मिलते हैं। ठीक है, मैं तो मैंने एक छोटी सी क्यूट सी लड़की दिखाता हूँ भाई, वो सबको परेशान कर रही है ऐसा ऐसा के, ये सबको दिखाता हूँ। इतनी क्यूट है यार ये। दिल्ली जाना है। अपना स्टेशन आ गया गाइस, बस 5-10 मिनट और। बाहर तो तुम्हें दिखा नहीं सकता खिड़की से, क्योंकि भाई बाहर अंधेरा हो रहा है, 11 बज रहे हैं रात के। 8 घंटे हो गए भाई, 8 घंटे से हम ट्रेन में ही हैं, जल्दी उतरते हैं अब। तो फाइनली गाइस दिल्ली पहुंच गए 3 दिन बाद और 8 घंटे का सफ़र आज का वंदे भारत में। भाई मज़ा आ गया। बाकी फाइनली भाई सबसे बड़ी खुशी ये है कि भाई वापस दिल्ली आ गए। बाकी अभी बस पापा आए हुए हैं यहाँ पे, बस पापा के साथ घर पे जाना है। बाकी अगर आपको आज का व्लॉग भाई पसंद आया तो भाई इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर कोई नया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। Chasing stars and holding you, I can't see the end, but we'll see it through.